चल रहा था जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में अपन ने मेथड पढ़ा था कि स्वतंत्र चर में किस प्रकार से परिवर्तन करके अपन ने सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मेथड मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। ये अपना लेक्चर नंबर 23 है, L23 है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं ये अपने को। एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है कोस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार, प्लस का साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कोस क्यूब एक्स बराबर टू कोस फाइव एक्स। दोबारा देखिएगा, कोस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कोस क्यूब एक्स बराबर टू कोस फाइव एक्स। सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशियंट कितना होना चाहिए, 1। तो मैं लिखूंगा मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कोस एक्स का भाग दो पूरे में तो ये बना टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई, कोस एक्स का भाग दिया तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बराबर टू कोस फोर एक्स। इक्वेशन नंबर 1, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कोस स्क्वायर एक्स बराबर टू कोस फोर एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तुलना करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तुलना करने के बाद में पी का मान तो होगा टेन एक्स, क्यों कितना होता है वाई का गुणांक माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स, और जो आर होता है वो कितना होता है टू कोस फोर एक्स, पी क्यू आर हो गया। अब स्वतंत्र चर एक्स को अगर अपन जेड में चेंज करेंगे, स्वतंत्र चर एक्स को जेड में चेंज करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 क्या बनेगा। तो ये लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन चलेगी जो अब लिख रहा हूं मैं, स्वतंत्र चर एक्स को जेड में परिवर्तित करने पर, स्वतंत्र चर एक्स को जेड में परिवर्तित करने पर इक्वेशन 1 निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाता है, निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाता है। स्वतंत्र चर एक्स को जेड में परिवर्तित करने पर इक्वेशन नंबर 1 निम्न प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक तो पी लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक है उसको तो पी लिख दो, तो पी का मान सॉरी, स्वतंत्र चर एक्स को जेड में परिवर्तित करने पर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसे बन जाएगा, ये देखना, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई बराबर आर वन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सूत्र लिखो, पी वन क्यू वन आर वन क्या होते हैं, वे आर, जहां पी वन होता है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होता है पी पी वन। क्यू वन होता है वो कितना होता है, क्यू वन होता है क्यू अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है क्यू वन। आर वन क्या होता है, आर वन होता है आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है आर वन। तो दोस्तों ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा और यहाँ तक, ये प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन चलेगी ये लाइन, तो आप देखिए इसको।
ये लाइन प्रत्येक क्वेश्चन में कॉमन होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करके आपको दिखा देता हूं, लेकिन आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को तो मैं दोनों मेथड से सोल्व करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन है ना उसको सेकंड जो मेथड था जिसमें आप क्यों को अचर लिया जाता है उससे करना है। ओके, तो देखना दोनों मेथड सेम है, कोई अंतर नहीं है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो मेथड फर्स्ट क्या था, मेथड फर्स्ट कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि पी वन जीरो जाए, यही लिखा था ना, जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि पी वन बराबर जीरो हो। बताओ पी वन बराबर जीरो हो तो पी वन है कितना, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यही था ना, ये अपना पी था, ये पी जीरो जाए इसका मतलब ये तो जीरो में चला जाएगा और अपना बन जाएगा डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। अब बताओ दोस्तों वो जेड का जो मान मैं निकाला था वहाँ पे, जेड का मान क्या आया था, जेड का मान आया था इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी डी एक्स और उसका पी डी एक्स, ये आया था ना जेड का मान निकल के, आप देख लेना पीछे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, जो मेथड बताया था उसमें, मेथड का जो फर्स्ट मेथड बताया था उसमें जेड का मान ये निकल के आया था, तो माइनस। अब पी का मान कितना है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन मैं आपके सामने दोबारा पेश कर देता हूं, ये तो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं वो, और पी का मान कितना है 10x, तो यहां लिख देता हूं इंटीग्रेशन 10x dx और उसका भी dx, तो z बराबर बना एक्सपोनेंशियल माइनस 10x का कितना होता है log sec x और ये dx एक्स जेड बराबर, अब ये कितना बना भाई, ये माइनस तो यहाँ जाएगा और एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल करेगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये sec इनवर्स बनेगा, sec इनवर्स कितना बनता है वन अपॉन sec x dx, तो z बराबर ऊपर गया तो cos x और cos x का इंटीग्रेशन है sin x, तो z का मान कितना आ गया sin x आ गया, z का मान निकल गया, तो अब सारी चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी, कैसे भाई, z का मान sin x है तो dz जेड अपॉन डी एक्स का मान cos x और d2z टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान माइनस का sin x, अच्छा p1 का मान तो जीरो हो ही गया, q1 कितना होता है, q1 होता है q अपॉन dz जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में q का मान है माइनस टू cos स्क्वायर x, आप देख लेना क्वेश्चन में q का मान ये है, dz जेड बाई डी एक्स कितना है cos x, तो यहाँ क्या लिखूंगा cos स्क्वायर x और ये कट गया तो कितना आ गया माइनस का 2। r1 क्या है, r1 है r अपोन dz जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब देखो r देखो यहाँ से r का मान कितना है 2 cos 4x, यहाँ लिख लेता हूँ 2 cos 4x और dz जेड बाई डी एक्स कितना है cos x और उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, बताओ कितना बना 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो ये P1, Q1 और R1 का जो मान है वो इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, देखो यहाँ P1 का मान तो जीरो आ गया, Q1, R1 अपन ने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, देख लो आप Z का मान तो साइन एक्स है, Q1 का मान माइनस 2 है, R1 का मान 2 कोस स्क्वायर एक्स है। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखूंगा मैं, पुट वैल्यू ऑफ पी वन क्यू वन एंड आर वन इन इक्वेशन वन, तो क्या बना डी टू वाई
अपॉन डी जेड स्क्वायर, पी तो जीरो हो गया, प्लस क्यू वन। अब क्यू वन देख लेता हूँ कितना निकल के आया भाई, क्यू वन निकल के आया है माइनस टू, तो माइनस का टू वाई बराबर आर वन। आर वन देखो ये रहा टू कोस स्क्वायर एक्स, टू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, तो यहाँ इसको जेड में चेंज करो। आप जेड बराबर कितना लिखे थे अभी, जेड का मान कितना आया था साइन एक्स, पीछे की स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ जेड का मान कितना आया था साइन एक्स। आप इसको क्या लिखोगे, डी टू वाई अपोन डी जेड स्क्वायर माइनस टू वाई बराबर टू। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये बन गया डी स्क्वायर माइनस टू वाई बराबर टू माइनस टू जेड स्क्वायर, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर तीन। अब इसको सोल्व करना है, बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो अब बन गया चैप्टर नंबर है, और कैपिटल डी का मान क्या माना, डी अपोन डी जेड, ये चैप्टर नंबर तीन का क्वेश्चन बन गया। तो सी एफ भी निकालना पड़ेगा और पी आई भी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो लिखूंगा मैं सहायक समीकरण, क्या लिखूंगा सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो, तो एम का मान प्लस माइनस रूट टू, एम का मान कितना आया प्लस माइनस रूट टू। तो सी एफ बना सी वन ई की पावर रूट टू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो जेड, प्लस सी टू ई की पावर माइनस रूट टू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है तो जेड आ गया, ये तो सी एफ आ गया। पी आई कितना हुआ, पी आई होता है वन अपोन एफ डी, तो डी स्क्वायर माइनस टू भाई, वन अपोन एफ डी मतलब डी स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ मैंने लिख दिया टूवाइस वन माइनस जेड स्क्वायर, देखो ना टूवाइस वन माइनस जेड स्क्वायर। ऐसा करने से दोस्तों कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ से माइनस टू कॉमन आ गया, नीचे से माइनस टू कॉमन आ गया, तो ये कितना बना वन माइनस डी स्क्वायर बाई टू, और टू वन माइनस जेड स्क्वायर, और ये टू से टू कट गया। तो बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस वन माइनस डी स्क्वायर बाई टू और उसका इनवर्स, और वन माइनस जेड स्क्वायर, एक टर्म तक ही खोलना पड़ेगा क्योंकि वन माइनस जेड स्क्वायर है, तो चलो खोल भी देता हूँ। तो माइनस इसको खोलेंगे तो वन प्लस डी स्क्वायर बटा दो, और आगे खोलने की जरूरत है नहीं क्योंकि वन माइनस क्या है जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डी स्क्वायर अप्लाई हो सकता है, वन से गुणा किया तो वन माइनस जेड स्क्वायर, ये वन माइनस जेड स्क्वायर, वन इसके साथ आए तो जीरो, फिर माइनस डी स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ आए तो टू बनाएगा, और टू में टू का भाग दिया तो वन, तो इस वन से वन कट गया, तो ये बन गया अपना दोस्तों जेड स्क्वायर। देखो कैसे, वन माइनस जेड स्क्वायर वन के साथ आया तो ये डी स्क्वायर बाई टू वन के साथ गया जीरो, डी स्क्वायर बाई टू इसके साथ गया तो माइनस का टू, माइनस से माइनस कटा तो माइनस वन, इससे ये कटा, इससे ये तो जेड स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया। तो अब आप क्या लिखोगे, अपना जो सॉल्यूशन था वाई बराबर, यहाँ से देखो इक्वेशन तीन से, इक्वेशन तीन से वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो क्या रहा, ये रहा सी वन ई की पावर रूट टू जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस रूट टू जेड। अब जेड तो अपन ने माना था, जेड का मान साइन एक्स आया था ना, तो सी वन ई की पावर रूट टू साइन एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस रूट टू साइन एक्स, और पी आई का मान कितना आया जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर एक्स, ये अपना आंसर आ गया दोस्तों, और बिल्कुल सही आंसर है, ये अपना जनरल सोल्यूशन आया। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने स्लाइड पेश कर देता हूँ, पहली स्लाइड तो ये थी, देखिए आप इसको।
ठीक है। स्वतंत्र चर एक्स को जेड में चेंज कर दिया था, और उसके बाद में जो दूसरी स्लाइड थी उसमें पी वन को जीरो किया था ना अपन, उसको देख लेता हूँ दूसरी स्लाइड कहाँ मिलेगी। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो लगाया है जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि पी वन जीरो हो जाए। पी वन को जीरो करके जेड का मान निकाल लिया, और वहां से अपन ने क्यू वन और आर वन है दोनों निकाल दिए, फिर इनका मान रख दिया। तो ये तीसरी स्लाइड है, अब देख लीजिए दोस्तों। और तीसरी स्लाइड ये है और चौथी स्लाइड ये है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करता हूं मैं। अब मैं फिर आपको फिर बता रहा हूं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन ये जो सेकंड मेथड है ना इससे करना है। सेकंड मेथड क्या था कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि क्यों अचर हो जावे, क्यों क्यू वन अचर हो जावे। जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि क्यू वन अचर हो जावे। अब क्यू वन है कितना, क्यू अपोन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यू का मान क्वेश्चन में कितना था। तो देखो क्वेश्चन में क्यू का मान था माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स। कितना था, माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स, माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स। आप डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर एक बार कोस स्क्वायर एक्स मान लो, भाई डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स मान लो, तो उसका स्क्वायर करने से कोस स्क्वायर एक्स और ये कट गया तो माइनस टू। ये पता है कब आया, जब आपने डी जेड अपॉन डी एक्स को कितना माना, कोस एक्स। और बताओ यहां से आप अगर डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना हो आपको तो माइनस का साइन एक्स, और जेड का मान निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स। जेड का मान साइन एक्स आ गया, क्यू वन का माइनस मान माइनस टू आ गया, पी वन का मान निकालो, पी वन कितना होता है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी, पी का मान है टेन एक्स, पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, वो कितना है कोस स्क्वायर एक्स। ये साइन अपॉन कोस बनेगा, कोस से कोस कटा, साइन से साइन कटा, तो पी वन का मान कितना हो गया जीरो। आर वन क्या होता है, आर वन होता है आर अपॉन, तो आर तो है टू कोस फोर एक्स, और नीचे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कितना बन गया कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया टू कोस स्क्वायर एक्स। और ये सारे मान रख दोगे आप कौन से इक्वेशन में, जो पी वन क्यू वन आर वन वाला इक्वेशन था ना उसमें रखेंगे, तो वो बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। पी वन का मान जीरो रखते डी जेड डी वाई अपॉन डी जेड का कोफिशियंट तो जीरो, फिर क्यू वन, क्यू वन का मान कितना है यहाँ से देखो माइनस टू, तो माइनस टू वाई बराबर आर वन, आर वन कितना है टू कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बना डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस टू वाई बराबर टू कोस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये देखो कोस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस जेड स्क्वायर, ये बन गया। ये मेथड टू से किया तो बना। अब मेरे को बताओ दोस्तों कि ये तो आपने मेथड टू से किया तब बना ये वाला, तो अपना ये तो मेथड टू से किया तब बना, और ये दूसरी स्लाइड में मैं दिखाता हूँ ये मेथड वन से किया था तो बना था। तो इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, देख लो आप इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। इसका मतलब चाहे आप पहले मेथड से करो चाहे आप दूसरे मेथड से करो, आंसर में आपका कोई फर्क नहीं होगा। और इसके आगे वही सॉल्यूशन जो पहले कर दिया ना मैंने, इसके आगे तो वैसे ही सॉल्यूशन करना है जैसे मैंने वहां पे करके दिखा दिया। तो
तो चाहे आप पहले मेथड से करो चाहे दूसरे मेथड से करो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन दूसरा मेथड है वो ज्यादा आसान है। तो याद रखना आपको प्रत्येक क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है। दूसरा मेथड ये है कि जेड का चयन इस प्रकार किया जाता है कि क्यू वन क्या हो जाए, अचर हो जावे, और क्यू वन बराबर क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी एक्स अपनी तरफ से मानते हैं ताकि क्यू वन को अचर कर दे। यहां से माइनस का टू कोस स्क्वायर एक्स है, डी जेड अपॉन डी एक्स को मैंने कोस एक्स मान लिया, तो इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स होता है, ये कट गया तो माइनस टू, तो डी जेड अपॉन डी एक्स को मैंने माना कितना, कोस एक्स। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना है। ये एग्जाम्पल नंबर वन मैंने बता दिया है दोस्तों आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को बताएं। और अब आप, मैं एक एक क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, आप क्वेश्चंस को करना, अपनी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डालना या मेरे को मैसेज करके बता देना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।